गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। क्या होता है बच्चों सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन मींस क्या हो रहा है कि जो टॉप सॉइल होती है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करती है, किसी भी रीजन से वो मूव कर सकती है बच्चों, चाहे विंड के थ्रू वो मूव करती है, चाहे वाटर के थ्रू वो मूव कर रही है, ठीक है। तो वो चीज़ क्या कहला रही है? सॉइल इरोजन कहलाती है। और इससे क्या होता है कि वो जो लैंड होती है वो बैरर बन जाती है, वहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं कर पाते। तो सॉइल इरोजन को रोकने का भी यही एक रहता है कि हम उस जगह पे क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, क्योंकि प्लांटेशन जो होता है वो टॉप सॉइल को बांध के रखता है, और बांध के रखने के कारण वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जा पाती है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग बच्चों यहाँ देख रहे हैं टॉपिक्स जो हमें कवर्ड करने, कौन कौन से इसके कॉजेज क्या हैं, प्रोसेस क्या है, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करेंगे, वाटर इरोजन टाइप, एस्टिमेट ऑफ सॉइल लॉसेस, विंड इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस कौन कौन सी है। क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों नेक्स्ट। सॉइल इरोजन प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं? सॉइल इज़ द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट ऑफ नेचर, प्राइम रिसोर्स फॉर फूडर्स के लिए प्रीसियस सोर्स है ये। सॉइल मिस मैनेज लेस प्रोडक्टिविटी, यदि सॉइल का मैनेज हमने सही से नहीं किया तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, वो धीरे धीरे लेस होती चली जाएगी। इन इंडिया मोर देन 100 मिलियन हेक्टर सॉइल डिग्रेडेड, इरोडेड एंड अनप्रोडक्टिव। कि इंडिया में 100 मिलियन हेक्टर जो सॉइल्स हैं वो डिग्रेडेड हो रही है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही हैं, डिग्रेडेड हो रही हैं, टूट रही हैं, इरोड हो रही हैं, वन प्लेस टू अदर प्लेस जा रही है, और अनप्रोडक्टिव यानी उस पर हम कुछ भी ग्रो नहीं करवा पाते, ठीक है। अबाउट 17 टन्स एंड हेक्टर सॉइल डिटैच्ड एनुअली, डिटैच्ड का मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रही है, दिखा रहे हैं थोड़ा सा सॉइल इरोजन इन अ वाटर साइड के थ्रू वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे जा रहा है, ठीक है। 20% ऑफ दिस इज ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर टू सी, 10% डिपॉजिटेड इन रिजर्वॉयर, रिजल्ट 1-2% लॉस ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी का कितना लॉस होता है? 1-2% होता है, ओके। सॉइल इरोजन प्रॉब्लम्स में नेक्स्ट है सॉइल इरोजन डेट्रियोरेट्स सॉइल क्वालिटी। वो क्या कर रहा है सॉइल इरोजन? सॉइल की क्वालिटी को डेट्रियोरेट्स कर रहा है। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचुरल एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। क्वालिटी डिक्रीज होने के साथ साथ क्या हो रहा है बच्चों? प्रोडक्टिविटी जो रही है डिक्रीज हो रही है। किससे? नेचुरली भी वो डिक्रीज हो सकती है क्योंकि विंड और एयर के थ्रू, और मैन मेड भी हम इसलिए बोलते हैं कि अर्बनाइजेशन हो रहा है तो इस कारण से भी होता है। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट इकोसिस्टम इससे क्या रहता है? अफेक्टेड रहता है। अब जैसे बच्चों ये ग्राफ बता रहा है इंडियन लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है। सोर्स स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्टेड 2009 में क्या क्या ये सोर्सेज थे? वाटर इरोजन था, विंड इरोजन था, वाटर लॉगिंग था, क्लियर। सैलिनिटी होती है वाटर की, वो भी वो क्या कर रही है? सॉइल को डिस्ट्रॉय कर रही है, सॉइल की एसिडिटी कर रही है। ये सारी मैंने प्रॉब्लम्स अभी सॉइल से रिलेटेड आपको पढ़ाई हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और भी बहुत सारी, डिग्रेडेशन एरिया बहुत सारा ऐसा एरिया है जहाँ पे सॉइल अपने आप डिग्रेडेड होती चली जाती है, और ज्योग्राफिकल एरिया, काफ़ी सारा ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ सॉइल है ही नहीं, तो इस कारण काफ़ी सारे सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, क्या क्या कॉजेज होते हैं सॉइल इरोजन के। फर्स्ट इज ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल्स, कैटल्स के द्वारा ओवर ग्रेजिंग करना, डिफॉरेस्टेशन, कटिंग करना प्लांट्स की, एरिएबल लैंड यूज, एरेबल लैंड को हम यूज कर लेते हैं किसी ना किसी पर्पस से, चाहे कैटल के लिए, चाहे बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए। फॉल्टी फार्मिंग, फार्मिंग में हम किसी तरह की फॉल्ट हो जाती है कंस्ट्रक्शन में के कारण और माइनिंग के कारण, हम उस जगह पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं या माइंस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लैंड हमने वो लैंड यूज कर लिया जो कि एग्रीकल्चर के लिए था। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक कंडीशन, बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जैसे रेनफॉल हो गया, प्रेसिपिटेशन बोल रहे हैं जैसे, एंड विंड की वेलोसिटी। विंड की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि एयर जो के थ्रू सॉइल वन प्लेस टू अनदर प्लेस चली जाती है। सॉइल करेक्टरिस्टिक्स, सॉइल के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डैमेज होते हैं इससे, टेक्सचर स्ट्रक्चर नहीं सॉरी सॉइल के करेक्टरिस्टिक फीचर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं फॉर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, कि उसका टेक्सचर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या है, ट्रांसमिशन प्रॉपर्टी क्या है, कि ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, ये सारा उस पर इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों
हाइड्रोलॉजी, इनफिल्ट्रेशन, सरफेस डिटेंशन, ओवरलैंड फ्लो वेलोसिटी एंड सब सरफेस वाटर फ्लो, ये सारी चीज़ें क्या कह रही हैं। हाइड्रोलॉजी हमेशा वाटर से रिलेटेड टर्म होती है बच्चों, इनफिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन नहीं होता, ये टर्म मैंने वहाँ पढ़ाई थी बच्चों। सरफेस डिटेंशन, सरफेस जो है वो उसको पकड़ के नहीं रख पा रहा है वाटर को। ओवरलैंड फ्लो वेलोसिटी, पानी जो है उसका ओवरफ्लो होता चला जा रहा है लैंड से ही, वो नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। और सब सरफेस वाटर फ्लो रेगुलरली रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोलॉजी। और नेक्स्ट, लैंड फॉर्म उसका कैसा है, स्लोप ग्रेडियंट, स्लोप्स होते हैं वो भी सॉइल को बांध के नहीं रख पाते हैं, सॉइल की स्लोप्स की लेंथ एंड शेप ऑफ द स्लोप, ये सारे रीजन जो हैं वो सॉइल इरोजन के लिए हैं। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ सॉइल इरोजन, ज्योग्राफिकल इरोजन, नेचुरल इरोजन, इरोजन फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, ठीक है। ज्योग्राफिकल इरोजन क्या होता है, सॉइल फॉर्मिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योग्राफिकल इरोजन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, सॉइल किस अकॉर्डिंग बन रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मैंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग को बताए थे प्रोफाइल में। लॉन्ग टाइम प्रोसेस होती है ये, बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है इसमें। ह्यूमन और एनिमल्स के थ्रू, मैंने आपको टीलेज, रिमूवल ऑफ प्लांट्स एंड अदर वेजिटेशन, एक्सेलरेटेड इरोजन। टीलेज प्रोसेस आपकी अगर अच्छी नहीं होगी तो उससे भी इरोजन के चांसेस रहते हैं। प्लांट्स और वेजिटेशन को हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ से रिमूव करते चले जा रहे हैं, तो वो इरोजन को धीरे धीरे बढ़ाता है, ठीक है। स्ट्रीम्स बैंक इरोजन, स्ट्रीम बैंक्स जो किनारे होते हैं किसके, रिवर्स के, ठीक है, वहाँ पे भी जो सॉइल होती है उसको बहा के ले जाती है रिवर, तो वो कहलाता है स्ट्रीम बैंक इरोजन। लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनिक इरप्शन एंड फ्लडिंग, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हमें पता है लैंडस्लाइड्स होती हैं तो पूरा का पूरा वो एक तरह से लैंड जो होती है खिसक जाती है, तो वहाँ की सॉइल भी इधर उधर जा रही है वॉल्केनिक इरप्शन के कारण और फ्लडिंग के कारण, ठीक है। वाटर एंड विंड, नेक्स्ट आते हैं बच्चों, वाटर एंड विंड मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल इरोजन कौन से हैं, वाटर के थ्रू जो मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ और विंड के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन, एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन कौन कौन से एजेंट्स हैं, मैंने अभी बताया आपको विंड एंड वाटर, मेन बताया था। ग्रेविटी भी होती है बच्चों जिससे लैंडस्लाइड्स होती हैं, अभी बोला था ग्रेविटी के कारण क्या होती है, लैंड जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं और सेपरेट होने के कारण बहुत ज़्यादा मासेस ऑफ सॉइल का मूवमेंट होता है, ठीक है। वाटर में वाटर फॉर्म और ग्लेशियर्स जो होती हैं वहाँ पे भी जब जैसी क्या होता है वहाँ की जो आइस होती है वो मेल्ट होती है, तो उसके साथ साथ जो होती है सॉइल आती है वो भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रही है। वाटर फॉर्म्स की बात करें तो रेनफॉल के कारण, रन ऑफ के कारण और रिजर्वॉयर्स के कारण। रेनफॉल तो क्लियर समझ में आ रहा है हमें, रन ऑफ क्या होता है, सरफेस रन ऑफ, सब सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ क्या कहला रहा है आपका, सीट एंड इंटर रिल इरोजन, रिल इरोजन, गुली इरोजन एंड स्ट्रीम बैंक इरोजन, ये अभी देखेंगे बच्चों। सब सरफेस इरोजन पाइप्स के थ्रू जो होता है, अंदर पाइप्स के थ्रू भी कुछ वाटर के थ्रू सॉइल वन प्लेस टू अंदर प्लेस चली जाती है। रिजर्वर और ओशियंस का मैंने आपको बताया था, जो उसके किनारे होते हैं उसके थ्रू सॉइल वन प्लेस टू अंदर प्लेस जाती है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों सॉइल इरोजन पैरामीटर्स, कौन कौन से पैरामीटर्स यहाँ पे हम यूज में लेंगे या फंक्शंस कौन से हैं। इरोसिविटी डिपेंड ऑन रेनफॉल, इरोसिविटी किस पे डिपेंड करती है, रेनफॉल पे डिपेंड करती है कि कितनी रेनफॉल होगी जो सॉइल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाएगी। इरोडिबिलिटी सॉइल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। टोपोग्राफी प्रॉपर्टी ऑफ लैंड को बोल रहे हैं और मैनेजमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय मैन के थ्रू जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सॉइल इरोजन का वो कहला रहा है। इरोडिबिलिटी, डिटेक्टिबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेबिलिटी भी कह रहे हैं हम उसे। टोपोग्राफी, स्लोप्स को लेते हैं इसमें, लेंथ को लेते हैं, रिलेशन टू अदर लैंड को, ये सारा का सारा टोपोग्राफी में आता है लैंड की। एंड मैनेजमेंट में कौन सा लैंड यूज किया जा रहा है और क्रॉप मैनेजमेंट किया जा रहा है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं मेन वाटर इरोजन, डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉइल पार्टिकल फ्रॉम लैंड मास बाय वाटर इंक्लूड रेन, रन ऑफ एंड मेल्टेड स्नो, क्लियर। अभी ग्लेशियर वाला मैंने आप लोग को समझाई थी पूरी बात कि क्या होना, डिटैचमेंट वहाँ से अलग होना और वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना, ट्रांसपोर्टेशन होना सॉइल पार्टिकल का के पूरे लैंड मास का किसके थ्रू, वाटर के थ्रू, रेन के थ्रू हो सकता है, रन ऑफ के थ्रू हो सकता है,
और लास्ट है मेल्टेड स्नोज के थ्रू हो जाता है. डिपेंड ऑन सॉइल नेचर एंड कैपेसिटी ऑफ वाटर टू ट्रांसपोर्ट. ये किस पे डिपेंड्स होता है, सॉइल की नेचर पे भी डिपेंड होता है कि किस तरह की फाइन जो सॉइल होती है वो जल्दी जल्दी मूव करती हैं वाटर के साथ, ये ध्यान रखना. नेक्स्ट मोर ऑन स्लोपी लैंड. स्लोपी लैंड पे भी स्लोप्स जो होंगे उस पर वाटर रन करेगा तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सॉइल को लेके जाएगा वो. एंड वाटर इरोजन एसिलेटेड बाय एग्रीकल्चर ग्रेजिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. सबसे ज़्यादा ये किससे हो रहा है, एसिलेटेड बाय एग्रीकल्चर ग्रेजिंग प्रोसेस, ग्रेजिंग जो हम एनिमल्स की करवा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के थ्रू. नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग बाय वाटर. कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वाटर इरोजन को, क्लाइमेट्स कर रहा है, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड सोलर रेडिएशन. ये क्लाइमेट है जो कि सोयल इरोजन को इफेक्ट कर रहा है, वाटर इरोजन को. नेक्स्ट सॉइल का साइज, टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिक मैटर. वेजिटेशन में क्या है, इंटरसिपेशन ऑफ रेनफॉल, रिड्यूस सरफेस सीलिंग. क्या होता है कि रेगुलर रेनफॉल होने के कारण सरफेस पे जो वाटर को क्या करना, बांध के रखने की कैपेसिटी, रिटेनिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है और वाटर जो होता है रन ऑफ यानी बहना स्टार्ट हो जाता है. डिक्रीज सरफेस वेलोसिटी, सरफेस की वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है. इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीगेशन एंड इंक्रीज बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और उस जगह पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ती जाती है. एंड एरिएशन, ट्रांसपीरेशन एंड फिजिकल होल्डिंग, ये सारी जो हैं वेजिटेशन के थ्रू मूवमेंट को बता रहा है आपको. और टोपोग्राफी क्या है, डिग्री ऑफ स्लोप्स, सेप्स एंड लेंथ ऑफ स्लोप्स, साइज एंड शेप ऑफ द वाटर सेप, इन सब के थ्रू भी सॉइल इरोजन होता है. ये फैक्टर्स जो हैं मेनली इसको अफेक्ट करते हैं वाटर इरोजन. नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ वाटर इरोजन, कौन कौन से टाइप हैं. फर्स्ट है इंटररिल. इंटररिल क्या है, रेन ड्रॉप एंड सीट, रिल, गुली, स्ट्रीम, चैनल इरोजन. क्लियर, रेन ड्रॉप इरोजन. रेन ड्रॉप इरोजन क्या बोल रहे हैं बच्चों, सॉइल डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप. किसके कारण से सॉइल का डिटैचमेंट हो रहा है और ट्रांसपोर्ट हो रहा है, रेन की ड्रॉप डायरेक्टली ऑन द सॉइल पार्टिकल, जो सॉइल के पार्टिकल पे पड़ रही है. एंड थिन वाटर सरफेस, और ऑन द थिन वाटर सरफेस जो होती है उसके जो में जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके थ्रू मूव कर रहे हैं. ऑन बैरर सॉइल, बैर सॉइल अबाउट 200 टी पर हेक्टेयर सॉइल इज प्लेस्ड इन टू द एयर बाई हैवी रेन के थ्रू वो बह के चली जाती है. फिर है रिलेशनशिप्स, इरोजन, रेनफॉल मोमेंटम्स एंड एनर्जी बाय रेन ड्रॉप मास, साइज, शेप एंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन. रिलेशनशिप रेनफॉल इंटेंसिटी एंड एनर्जी, रेनफॉल इंटेंसिटी और एनर्जी पे डिपेंड करती है. ये रेनफॉल इंटेंसिटी उसकी क्या है और उसमें कितनी एनर्जी यूज हो रही है, उस कारण से जितनी ज़्यादा एनर्जी उसमें लगेगी उतना ज़्यादा क्या होगा, वाटर के थ्रू सोल जो होती है वो मूव कर जाएगी. तो ये पूरा इन्होंने फॉर्मूले के थ्रू आपको बता रखा. देन आते हैं सीट इरोजन या इंटररिल इरोजन. सीट इरोजन क्या होता है, यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉइल. ठीक है, सीट इरोजन एक सॉइल का यूनिफॉर्मली क्या होना, जाना वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन थिन लेयर फ्रॉम स्लोपिंग लैंड रिजल्टिंग. कहाँ से, स्लोपिंग लैंड से, फ्रॉम ओवरलैंड फ्लो, आइडियलाइज्ड फ्रॉम फॉर्म ऑफ सीट इरोजन रेयरली अकर. आइडियलाइज सीट इरोजन बहुत रेयरली पाया जाता है. स्प्लैश एंड सीट इरोजन सम टाइम कम्बाइंड, स्प्लैश और ये जो पहले वाला और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, नॉन एज इंटररिल इरोजन. इनको मिला के हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटररिल इरोजन नाम देते हैं. फंक्शन ऑफ सॉइल प्रॉपर्टी, ये किस पे डिपेंड करता है, सॉइल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, रेनफॉल पे डिपेंड करता है और लैंड की स्लोप पे डिपेंड करता है. वाटरसन एंड लेफ्टन ने फार्मूला दिया था D1 इक्वल टू K1 I स्क्वायर SF, वेयर DI इंटररिल इरोजन रेट होती है जिसे किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पे डिपेंड कहते हैं. K1 इंटररिल इरोडिबिलिटी ऑफ द सॉइल इन kg एस पर मीटर फोर, एंड I जो होता है रेनफॉल इंटेंसिव इन मीटर पर सेकेंड. SF स्लोप फैक्टर होता है जो हमें दे रखा है इसी. ठीक है, इस अकॉर्डिंग इसने पूरा बता रखा है. थीटा स्लोप ऑफ डिग्री, कितना स्लोप वहाँ पे बन रहा है उसके अकॉर्डिंग कितना मूवमेंट होगा सॉइल का. नेक्स्ट आते हैं रील इरोजन. ठीक है बच्चों, एक इसमें ये फॉर्मूले थोड़ा सा तुम लोग कर सकते हो साइड, बट मेन डेफिनेशंस तुमको ध्यान रखनी है सब में. रील इरोजन क्या है, डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉइल पार्टिकल बाय कंस्ट्रक्शन फ्लो ऑफ कंसंट्रेटेड फ्लो ऑफ वाटर. ठीक है, डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाय
किसके थ्रू हो रहा है, कंसंट्रेटेड फ्लो ऑफ वाटर, वाटर की थिकनेस ज़्यादा है, यहाँ पे ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स मिले हुए हैं, प्रीडोमिनेंटली फॉर्म ऑफ इरोजन डिपेंड ऑन द हाइड्रोलिक शेयर ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द रिल, रिल इरोडिबिलिटी एंड क्रिटिकल शेयर। क्रिटिकल शेयर क्या है, शेयर बिलो विस सॉइल डिटैच इज नेग्लिजिबल, कि इतना शेयर उसमें आ जाता है कि इसके बाद उसमें जो सॉइल जो होती है वो नहीं होती है, उनका डिटैचमेंट नहीं कर पाते। रियल डिटैचमेंट रेट जो होती है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इरोजन रेट अकरिंग बीनीथ सबमर्ज्ड एरिया ऑफ द रिल, सबमर्ज्ड एरिया में डिपेंड कर रही है, में होती है ये। रियल डिटैचमेंट रेट को हम लोग इसमें डिफाइन कर रहे हैं, ये पूरा फार्मूला अगेन इसने दे रखा है, डी आर इक्वल टू के टी माइनस टी सी वन माइनस क्यू एस अपॉन टी सी। तो ये पूरे फार्मूले को हम थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी आप यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा हटा सकते हो, मेन हमें ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं गुली इरोजन। गुली इरोजन क्या होता है, एडवांस फॉर्म ऑफ रेल इरोजन फ्रॉम लार्ज चैनल। अब क्या होगा, जो रेल इरोजन हो रहा है वो लार्ज चैनल के फॉर्म में होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, गुली इरोजन बोलते हैं। मेनली इसकी फोर स्टेज होते हैं, फॉर्मेशन स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज, हीलिंग स्टेज एंड स्टेबलाइजेशन स्टेज। गुली में भी स्मॉल 1 मीटर और लेस, कम भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है 1 मीटर to 5 मीटर, और लार्ज बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, मोर देन 5 मीटर। स्ट्रीम चैनल इरोजन क्या कहलाता है, पहले भी बताया था, रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्ट्रीम बैंक, आसपास रिवर के पास से जो सॉइल का जाना, एंड सॉइल मूवमेंट इन चैनल, उन चैनल्स में सॉइल का जो मूवमेंट होता है वो क्या कहला रहा है, स्ट्रीम चैनल इरोजन। देन नेक्स्ट आते हैं बच्चों मेजरमेंट्स ऑफ सॉइल लॉसेज एंड वाटर इरोजन। मेजरमेंट्स फ्रॉम द रन ऑफ प्लॉट, क्या मेजरमेंट रहेगा, साइज वेरीज फ्रॉम, साइज कैसे वेरीज कर रहा है वहाँ पे, 1/250 to 1/125 हेक्टर। रन ऑफ मेजर, रन ऑफ मेजर करेंगे बाय फ्लूम्स, फ्लूम्स के थ्रू। मेजरमेंट फॉर्म स्ट्रीम्स, स्लिट ऑब्जर्वेशन पोस्ट, सस्पेंशन, सॉल्टेशन एंड सरफेस स्क्रिप के थ्रू बैड लॉट जो होता है वहाँ पे, बोथ सेपरेटेड मेजर एंड एडिट, दोनों को अलग अलग मेजर करते हैं और फिर ऐड करते हैं। सॉइल सैम्पलर्स लेके हम लोग उसको एग्जामिन कर रहे हैं, तो ये बता रहा है पी स्टार क्यू स्टार इक्वल टू 86400/1000। एस यहाँ पे क्या है बच्चों, अमाउंट ऑफ मटेरियल ट्रांसपोर्टेड इन टन्स, कितना अमाउंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है पर डे। अमाउंट ऑफ मटेरियल आपका पी से डिनोट कर रहे हैं, और रेट ऑफ स्ट्रीमिंग फ्लो, कितना स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एस्टिमेशन ऑफ सॉइल लॉस एंड वाटर इरोजन। सॉइल लॉस का एस्टिमेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन के थ्रू। ये जो इक्वेशन दे रखी है, ए इक्वल टू आर के एल एस सी पी, ए जो है एवरेज एनुअल लॉस कितना हुआ, आर रेनफॉल और रन ऑफ, इरोडिसिटी इंडेक्स बता रहा है, के सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर, स्लोप लेंथ फैक्टर, स्लोप स्ट्रीपनेस फैक्टर है, सी कवर मैनेजमेंट फैक्टर, एंड पी जो है कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर्स, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हैं, उससे एक फार्मूला बना है, उस फार्मूले के थ्रू हमें पता चलता है कितना सॉइल लॉस हुआ है वाटर इरोजन के थ्रू। नेक्स्ट ऐसे ही रनफॉल और रन ऑफ इरोजन इंडेक्स हमने यहाँ पे देखा, ई आई 30 इक्वल टू के ई आई 30 ब्रैकेट अपॉन 100। ई आई क्या है, बाय मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्रोम्स टू मैक्सिमम 30 मिनट। 30 मिनट में कितना उसमें एनर्जी मिल से मल्टीप्लाई करना है उसको, इंटेंसिटी फ्रॉम डेट स्ट्रॉम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्रॉम K हो गया I 30, मैक्सिमम 30 मिनट रेनफॉल इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रॉम, और के ई जो होगा हम क्या बता रहे हैं, 210.3 + 89 log I इन टर्म्स पर हेक्टर सेंटीमीटर, और I है रेनफॉल इंटेंसिटी इन सेंटीमीटर पर हेक्टर। इरोडिबिलिटी फैक्टर्स, अब ये कैसे निकालना है ये अलग से हमें बता रहा है, कि सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर्स कैन बी फाउंड बाय रिग्रेशन इक्वेशन बाय फोस्टर। फोस्टर ने बताई थी एट ऑल 1981 में, ये पूरा फार्मूला उन्होंने बताया कि इक्वल टू 2.8 * 10^-7 m 1.14 इन ब्रैकेट 12 - a + 4.3 * 10^-3 इन ब्रैकेट b - 2 + 3.3 * 10^-3 इन ब्रैकेट c - 3, वेयर m पार्टिकल साइज पैरामीटर, परसेंट सिल्ट प्लस परसेंट वेरी फाइन। ये डिपेंड कर रहा है कि आप पार्टिकल की साइज के पैरामीटर को कैसे देखेंगे, कि उसमें सिल्ट कितना है, वेरी फाइन सैंड कितनी है।
और 100% क्ले कितनी है, क्ले की परसेंटेज कितनी है, एंड ए जो है आपको बता रहा है परसेंटेज ऑर्गेनिक मैटर की, बी सॉइल मॉइस्चर को बता रहा है, कोड को वेरी फाइन ग्रैन्यूल्स, फाइन ग्रैन्यूल, ग्रैन्यूलर, मीडियम, कोर्स ग्रैन्यूल्स, ब्लॉक्स कितने हैं, प्लेट्स कितने हैं, मैसिव, ये सारा मैंने बच्चों आपको पढ़ाया है, इनको यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इस पूरे इरोडिबिलिटी फैक्टर को निकालने के लिए। सी क्या है, प्रोफाइल पैरामिबिलिटी, क्लासेस हैं रैपिड, मॉडरेट टू रैपिड, मॉडरेट, स्लो टू मॉडरेट एंड स्लो एंड वेरी स्लो, ये डिपेंड, ये बता रहा है आपको कि यदि पैरामीटर 1 आता है तो रैपिड है, मॉडरेट टू रैपिड है तो 2 आएगा, मॉडरेट है तो 3 आएगा, स्लो टू मॉडरेट है तो 4, स्लो है तो 5 और वेरी स्लो है तो 6। तो ये पूरा का पूरा आपकी इरोडिबिलिटी फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला हो गया। फिर है स्लोप्स लेंथ फैक्टर कैसे निकालते हैं, एल इक्वल टू आई अपॉन 22 ब्रैकेट एम, वेयर एल स्लोप लेंथ फैक्टर एंड आई स्लोप लेंथ इन मीटर, मीटर में आती है, एम जो है डायमेंशनल लेस एक्सपोनेंट कहला रहा है, एम इक्वल टू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 0.26 इन ब्रैकेट साइन थीटा 0.8 प्लस 0.05, वेयर थीटा इक्वल टू फील्ड स्लोप, स्ट्रिपनेस इक्वल टू 10 माइनस 1 एस अपॉन 100, एस यहाँ पे फील्ड स्लोप है इन परसेंटेज, परसेंटेज की फॉर्म में। फिर आ रहे हैं हम स्लोप स्टिपनेस फैक्टर पे, स्लोप लेंथ शॉर्टर देन 4 मीटर, 4 मीटर से कम होगी तब ये वाला फार्मूला हमें लगाना है, फोर स्लोप लेंथ लॉन्गर देन 4 होगी तो ये, और स्लोप लेंथ मोर देन 4 मीटर होगी तो ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो एस इक्वल टू 3.0 साइन थीटा अपॉन 0.8 प्लस 0.56, ये हो जाएगा 10.8 साइन थीटा प्लस 0.03 और ये 6.8 साइन थीटा माइनस 0.5। अब आते हैं क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर, कौन कौन से क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर हैं, कंबाइनिंग इफेक्ट ऑफ क्रॉप सिक्वेंस, प्रोडक्टिविटी लेवल, लेंथ ऑफ द ग्रोइंग सीजन, ग्रोइंग सीजन की लेंथ क्या होगी, टीलेज प्रैक्टिस कौन सी ले रहे हैं बच्चों, रिड्यूस मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरोजन, रेन स्टॉर्म विद रिस्पेक्ट टू प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग डेट। तो ये आपका हैदराबाद का बता रखा है, कल्टिवेटेड सॉयल लॉस 5 हुआ, 5 टन पर हेक्टर हुआ, वैल्यू ऑफ सी 1 आ गई, ग्रास का देखा हमने और बाजरा का देखा, ठीक है, वो बता रहा है कि क्या क्या कल्टीवेशन किया गया था इसमें से, तो 5 में से 0.59 टन पर हेक्टर और वैल्यू 0.12 बाजरा की 2 और 0.38। कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर, रेशियो ऑफ सॉयल लॉस विद द स्पेशल सपोर्टिंग फैक्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लॉस विद अप एंड डाउन कल्टीवेशन, क्या कह रहा है कि जो सॉइल का लॉस हो रहा है वो अदर फैक्टर भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं जिस कारण कल्टीवेशन जो होता है वो डाउन हो जाता है। कानपुर का बता रहा है बच्चों, अप एंड डाउन कल्टीवेशन ऑफ ज्वार एंड काउंटर कल्टीवेशन ऑफ ज्वार, अप एंड डाउन में पी फैक्टर 1 आया है, यहाँ पे 0.39 आया है। विंड इरोजन की बात करें बच्चों, तो प्रोसेस ऑफ अ डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन ऑफ सॉयल बाय एक्शन ऑफ विंड, विंड के थ्रू उसका डिटैचमेंट होना और वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना, डिपेंड ऑफ विंड स्पीड, किस पे डिपेंड कर रहा है, विंड की स्पीड पे, सॉयल पे, टोपोग्राफी पे, सॉयल की फीचर्स पे और वहाँ पे जो वेजिटेशन कवर होते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि प्लांट होंगे तो विंड वहाँ की टॉप सेल को नहीं ले जा पाएगी, और यदि प्लांट नहीं होते हैं तो वो आराम से मूव कर पाती है। मोर प्रॉब्लम इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में रहता है। चांसेस इन टेक्सचर ऑफ सॉयल इन इंडिया मेनली अकर इन, कहाँ पे मिलता है विंड इरोजन, राजस्थान, गुजरात, पार्ट ऑफ पंजाब, पंजाब में मिल रहा है ये कुछ पार्ट्स में। मैकेनिज्म ऑफ विंड इरोजन, इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट ड्यू टू टर्बुलेंस एंड विंड वेलोसिटी, टर्बुलेंस यानी विंड की मूवमेंट होना, ठीक है, उस कारण से ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड ऑन, ट्रांसपोर्टेशन किस पे डिपेंड होता है, पार्टिकल्स की साइज पे, ग्रेडेशन विंड वेलोसिटी पे और डिस्टेंस पे। डिपोजिशंस अकर व्हेन ग्रेविटेशनल फास्टर इज ग्रेटर देन फोर्स होल्डिंग सॉइल पार्टिकल इन एयर, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा कह रहा है ये किससे, कि सॉइल की जो होल्डिंग कैपेसिटी है उससे, एयर से, तो क्या होगा डिपोजिशन वहाँ पे रह जाएगा नहीं तो नहीं होगा, यानी ग्रेविटी उसको बहुत ज़्यादा तरीके से बांध के रख रही है तो एयर के थ्रू नहीं जाएगा। टाइप ऑफ सॉइल मूवमेंट बाय विंड, सॉल्टेशन, सस्पेंशन एंड सरफेस स्क्रिप। सॉल्टेशन क्या होता है, फाइन पार्टिकल लिफ्टेड फ्रॉम सरफेस एंड फॉलोइंग स्पेसिफिक पाथ, WRT विंड एंड ग्रेविटी, क्लियर हो गया फाइन पार्टिकल्स का मूव होना। सस्पेंशन फ्लोटिंग ऑफ स्मॉल पार्टिकल, थोड़े से बड़े साइज के पार्टिकल्स को फ्लोट करना, और सरफेस स्क्रिप का मतलब रोलिंग एंड स्लाइडिंग ऑफ लार्ज सॉइल पार्टिकल, बड़े बड़े पार्टिकल्स का जाना अलॉन्ग विद सॉइल सरफेस।
अगेन विंड इरोजन को यदि हमें देखना है, एनुअल लॉस को ई इक्वल टू एफ इन ब्रैकेट आई के सी एल वी, वेयर ई इज एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल लॉस कितना हुआ टन पर हेक्टर पर ईयर, आई इज सॉयल इरोडिबिलिटी इंडेक्स, के इज रिज रफनेस फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर, एल इज अनसेल्टर्ड लेंथ ऑफ द इरोडेड फील्ड, एंड वी इज वेजिटेशन वेजिटेटिव कवर फैक्टर। आई सॉइल इरोडिबिलिटी इंडेक्स टन पर हेक्टर ईयर, आई इक्वल टू 5 to 5 इन ब्रैकेट 2.718 माइनस 0.05 एफ। ठीक है, यहाँ एफ परसेंटेज ऑफ ड्राई सॉइल फ्रैक्शन ग्रेटर देन 0.84 mm। नेक्स्ट इज रफनेस फैक्टर, अ मेजर ऑफ इफेक्ट नेक्स्ट आते हैं बच्चों रफनेस फैक्टर पे, अ मेजर ऑफ इफेक्ट ऑफ रिंज मेड बाय टीलेज इम्प्लीमेंट ऑन विंड इरोजन, कि टीलेज इम्प्लीमेंट हमने क्या किया है, अगर वो सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो विंड इरोजन होने के चांसेस रहते हैं जिससे रफनेस आती है, उसे रफनेस फैक्टर कह रहे हैं हम। रिंज रफनेस इन mm kr इक्वल टू 0.16 h स्क्वायर अपॉन d, रिंज हाइट इन mm, d रिंज स्पेसिंग इन mm फ्रॉम kr, रफनेस फैक्टर k, k इक्वल टू 0.35 + 12 अपॉन kr + 18 + 6.2 * 10 -6 kr स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन रिक्वायर पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड टेक्निकल चेंजेस, एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्निकल चेंजेस इंड्यूस, क्या क्या टेक्निकल चेंजेस ला सकते हैं, यूज ऑफ काउंटर प्लगिंग एंड विंड ब्रेक करके, काउंटर प्लगिंग करके, लीविंग अनप्लग्ड ग्रासेस, ध्यान रखना कि अनप्लग्ड ग्रासेस को लीव करना हमें, स्ट्रिप्स बिटवीन प्लग्ड लैंड के बीच में हमें एरिया छोड़ना, अनप्लग्ड ग्रासेस हटानी है, मेकिंग श्योर डैट देयर आर ऑलवेज प्लांट ग्रोइंग ऑन द सॉयल, ये मैंने बताया है बार बार कि प्लांटेशन रेगुलरली होना चाहिए, डैट द सॉयल इन रिच इन ह्यूमस, अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग को अवॉइड करना है, एंड द ओवर यूजेज ऑफ क्रॉप लैंड, अलाउइंग इंडिजीनस प्लांट्स टू ग्रो अलॉन्ग द रिवर बैंक, हमें अलाउ करना है इंडिजीनस प्लांट्स को ग्रो करवाना रिवर के किनारों के पास, इंक्रीजिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बाय प्लांटिंग सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स टुगेदर, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड का कंजर्वेशन करना है। नेक्स्ट आते हैं सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस, कौन कौन सी सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस हम लोग यूज में ले रहे हैं यहाँ पे, कंजर्वेशन मेजर रिड्यूस सॉइल इरोजन बाय बोथ वाटर एंड विंड, वाटर और विंड को रिड्यूस करना, टीलेज एंड क्रॉपिंग प्रैक्टिस, टीलेज मेथड हमारे अच्छे परफेक्ट होने चाहिए, क्रॉपिंग मेथड प्रैक्टिस हमें करनी है, एज वेल एज लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस डायरेक्ट अफेक्ट द ओवरऑल सॉयल इरोजन प्रॉब्लम, कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेस काउंटर्स प्लोइंग स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड टेरेसिंग, हमें क्या करनी चाहिए, कंबाइंड कौन कौन सी अप्रोचेस देनी चाहिए, स्ट्रिप क्रॉपिंग को, टेरेसिंग को और काउंटर प्लोइंग को। अदर मेजर्स क्या हैं, सिल्ट फेंसिंग, इरोजन कंट्रोल, ब्लैंकेट्स हमें लेनी चाहिए, सेडिमेंट ट्रैप्स, प्लास्टिक कवरिंग एंड बैंक स्टेबलाइजर्स, पाइपलाइन सैंड बैगिंग, चेक डैम, ड्रेन इनलेट, फिल्टर बम, सिल्ट डिक्स, ये सारे हमें अदर मेजर्स यूज में लाने चाहिए। सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस के टाइप हम देख रहे हैं, वेजिटेटिव प्रैक्टिस एंड मैकेनिकल प्रैक्टिस, वेजिटेटिव प्रैक्टिस में अभी हमने देखा कौन सा, काउंटरिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, टीलेज ऑपरेशन एंड मल्चिंग, ये सब मैंने बच्चों बताया था अभी लास्ट जो टॉपिक तुम्हें पढ़ाया था मैंने टीलिंग वाला। उसके बाद मैकेनिकल प्रैक्टिस में हमें क्या करना है, टेरेसिंग, टेरेस पे ग्रो करवाना है, बंड्स ग्रेडेड एंड काउंटर्स, चेक डम्स, डैम्स जो होते हैं उनको चेक करना है, वेजिटेटेड आउटलेट्स एंड वाटर कोर्स, वेजिटेटेड आउटलेट्स होने चाहिए उसमें। ठीक है, केस स्टडी इंडियन सिनेरियोस, कौन सी सॉइल इरोजन प्रीवलेंस ऑलमोस्ट 55% ऑफ टोटल लैंड, हिमालयाज, लोअर हिमालयाज रीजन हाईली अफेक्टेड, कौन कौन से रीजन्स जो हैं अफेक्टेड हैं हिमालयाज और लोअर, क्योंकि उसमें स्लोपिंग बच्चों बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन 25% ऑफ रिजर्वर कैपेसिटी लॉस्ट, इरोजन रेट इन इंडिया, आइसो इरोजन लाइन्स एनवल्स, ये सारा इसमें बता रखा है बच्चों पूरे ग्राफ में। एनुअल सॉयल लॉस एस्टिमेट इन इंडियन सिनेरियो, कितना एनुअल लॉस हो रहा है नॉर्थ हिमालयन फॉरेस्ट रीजन में, 280
टन पर किलोमीटर स्क्वायर, पंजाब हरियाणा एल्यूवियन प्लेन्स में एग्रीकल्चर लॉस 330, लैंड यूज कौन सी हो रही है एग्रीकल्चर वाली 330, सॉयल लॉसेज हो रहा है अपर गैंगेटिक एल्यूवियल प्लेन्स एग्रीकल्चर एंड वेस्टलैंड है 1400 to 3300, लोअर गैंगेटिक एवोलियन प्लेन्स एग्रीकल्चर एंड टू एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे 280 to 950, नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेस्ट रीजन में एग्रीकल्चर शिफ्टिंग कल्टिवेशन 2750 to 4100, गुजरात एल्यूवियल प्लेन्स एग्रीकल्चर 300 to 3300, रेड सॉइल रीजन ब्लैक सॉइल रीजन एंड अगेन लैटरिस्टिक सॉइल, इन सब में एग्रीकल्चर लैंड है बच्चों और ये एरिया है जो सॉइल लॉस का हुआ है जितना, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे ये वाला टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया है।